इस टेंशन की वजह से हमारी मशीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से न्यू बिगिनर्स को, नए सीखने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस टेंशन की फुल रिपेयरिंग घर बैठे कैसे करें और इसमें कौन कौन सी ऐसी कमियां हो जाती हैं जिस वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसको कुछ लोग झांझ बोलते हैं और कुछ लोग इसको टेंशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इसी टेंशन की वजह से हमारी मशीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिस वजह से हमारी मशीन की सिलाई सही नहीं आ पाती है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, वीडियो को आगे बढ़ाकर बिल्कुल भी ना देखें, वीडियो को कट बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी कट किया तो आपको वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आ पाएगा। तो कई बार क्या होता है, हमारी बिल्कुल नई मशीन है, बिल्कुल सही है, पर प्रॉब्लम कहाँ से आती है, प्रॉब्लम यहाँ से आती है। तो इसकी वजह से 4-5 तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो अब हम आपको बताते हैं वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहली दिक्कत क्या होती है, ये वाला जो पेज होता है, कई बार हम इसको कसते हैं तो ये बार बार निकल कर गिर जाता है, ठीक है। तो इसमें न्यू बिगिनर्स परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आ पाता ये क्यों गिर रहा है। हम इसको कसे जाते हैं जिक्र के, पर ये ढीला रहता है, बिल्कुल नीचे आकर गिर जाता है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो बीच में जो आपको थालियाँ दिख रही हैं, यहाँ जो हमारा धागा चलता है बीच में, तो यहाँ पर हम कई बार क्या होता है, धागे को जब हम खींचते हैं और इसको हम कितने ही कस देते हैं, हमारा धागा बिल्कुल ढीला रहता है, बिल्कुल भी टाइट नहीं होता है। और कई बार धागा फंस कर आता है, झटके से आता है। और कई बार क्या होता है, धागा बिल्कुल फ्री हो जाता है, हम इसको कितना ही कसते रहते हैं, हमारा धागा बिल्कुल भी टाइट नहीं होता है। और उसके बाद एक प्रॉब्लम ये होती है, ये जो टेंशन वाला तार होता है, ठीक है, ये वाला जो देख पा रहे हैं आप, तो हमारा जब हम सिलाई करते होते हैं तो हमारा धागा इस टेंशन के तार से साइड से निकलकर बाहर को हो जाता है, तो इस वजह से हमारी सिलाई ख़राब होने लगती है। तो इस प्रॉब्लम का भी समाधान कैसे करेंगे, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। एक प्रॉब्लम ये भी होती है, ये जो टेंशन वाला तार होता है तो ये कई बार ऊपर रह जाता है, नीचे को नहीं आता है, तो जिस वजह से हमारी सिलाई सही नहीं आती है। तो इसको कैसे सही करेंगे, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो ज़्यादातर लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती रहती है, ये तार बिल्कुल फंस जाता है। और कई बार क्या होता है, ये वाला तार हमारा टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो हम नया तार कैसे डालें, तो इस पर और भी हम आपको आगे बताएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से आपकी मशीन की सिलाई सही नहीं आती है। तो दोस्तों, मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे आपको, ये जो पेच बार बार निकल कर गिर जाता है, हम इसको कसते रहते हैं फिर भी ये बाहर निकल कर गिर जाता है, इसका कारण क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम पेच को खोलेंगे इसको इस तरीके से, तो इसका कारण बता देते हैं पहले क्या होता है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, तो जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर एक इस तरीके का खांचा बना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पेंच कस इस खांचे के अंदर है। तो पेंच ज़्यादा कसने की वजह से इसके अंदर जो गैप होता है, वो गैप कम हो जाता है और ये दबने से इसमें जगह कम हो जाती है, तो इस वजह से ये पेंच ढीला हो जाता है। तो दोस्तों, ये देखें, ये खांचा होता है, ये जो बीच में पेंच कस देख पा रहे हैं आप, तो इस खांचे को हम क्या करना है, पेंच कस से इस तरीके से ऊपर को उठा देना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरीके से, चाहे आप नीचे को कर दें चाहे ऊपर को, ज़्यादा नहीं उठाना है। तो जब आप पेंच कस को इस तरीके से उठाएंगे तो इसका, इसमें जो गैप जो है वो बढ़ जाएगा और इसका मुंह ऊपर को हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सरिया कटी हुई है दो हिस्सों में है, तो ये ऊपर को हो जाएगी, तो इस वजह से हमारा फिर पेंच बाद में टाइट हो जाएगा, पेंच बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और उसके बाद मैंने जो आपको बताया, हमारा धागा बिल्कुल ढीला रहता है, बिल्कुल भी धागा टाइट नहीं होता, उसका कारण एक ये भी होता है, ये जो स्प्रिंग होता है, ठीक है, तो ये स्प्रिंग लूज हो जाता है, क्योंकि जो हम स्प्रिंग लगाते हैं इस तरीके से, तो ये जो कढ़ाइयाँ होती हैं तो इन पर इस तरीके से दबाव पहुँचता है, तो ये दबती हैं इससे, पर जब स्प्रिंग लूज़ हो जाता है तो ये दबती नहीं है, तो इस वजह से हमारा धागा लूज़ होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो स्प्रिंग है इसको इस तरीके से पकड़ कर खींचेंगे, ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें, इस तरीके से हम जोर से खींचेंगे तो स्प्रिंग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम इस पर लगाएंगे तो स्प्रिंग बिल्कुल टाइट हो जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल दबाव आ जाएगा, इस वजह से हमारा धागा बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा, ठीक। और उसके बाद एक प्रॉब्लम और बताता हूँ आपको मैं, ये जो थालियाँ होती हैं, ठीक है, इनको आप पहले सफ़ा कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम सिलाई करते होते हैं तो इन थालियों में कई बार क्या होता है, धागा फंस जाता है, जो हम सिलाई करते होते हैं, कपड़े का धागा होता है, जो रील का धागा होता है, या और भी कई बार इस पर कचरा वगैरह फंस जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा धागा सही नहीं चलता है। तो इनकी सफाई कर लेंगे बिल्कुल, और यहाँ पर ऑयल लगा देंगे, तो इसमें सही से तेल लगाएंगे और दोबारा से इसको फिट कर देंगे। और उसके बाद ये जो हमारा तार होता है, टेंशन वाला तार बोलते हैं इसको, तो धागा साइड को निकल जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, आप इस तार को पकड़ेंगे स्प्रिंग को और इस तरीके से दबाएंगे, ठीक है, क्योंकि मशीन चलते चलते इस तार में थोड़ा गैप हो जाता है और ये यहाँ पर ज़्यादा गैप होने की वजह से हमारा धागा साइड को निकल जाता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, इस तार को इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ से और इस तरीके से दबाएंगे, तो यहाँ पर गैप कम हो जाएगा, तो धागा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो अब हम आपको बताएंगे, ये जो तार ऊपर को रुका रहता है, कई बार ये ऊपर फंस जाता है, तो ये क्या कारण होता है, किस वजह से ऊपर रुका रहता है, तो ये जान लीजिए। और उसके बाद हम आपको बताएंगे, अगर आपको नया तार डालना है तो आप नया तार कैसे डालेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ से ये वाले पेच खोलने होते हैं, ये वाले,
उसके बाद ये नीचे वाला पेज खोलेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें तो पेज हमारे लगे रह गए हैं, हमने इसको निकाल लिया है। तो देखिए अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, तो ये जो आइटम दिख रहा है ये वाला, तो ये सब मशीनों में नहीं होता है। तो देखिए ये किस काम के लिए होता है ये भी जान लीजिए। तो ये इसी के लिए होता है ताकि धागा हमारा साइड को किधर को ना जाए और धागा निकले ना। तो इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि आजकल जो नई मशीनें आ रही हैं उस पर ये लगकर आ रहा है, पहले की मशीनों में ये लगकर नहीं आता था। तो हम इसको भी यहाँ से खोल देंगे, इसका ये पेज दिया गया है। तो देखिए मैंने अभी जो आपको बताया था ये वाला जो तार होता है ये कई बार ऊपर रुका रह जाता है, नीचे को नहीं आता है, तो इस वजह से हमारी सिलाई सही नहीं आती है। तो उसके लिए देखिए सिंपल सी ट्रिक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पेज होता है ये देखिए, यहाँ पर ये देखें, तो इसको भी हम खोल देना है। तो ये देखें इस पेज को भी हमने खोल देना है। तो इस पेज को लगा रहने देंगे, हटाएंगे नहीं, बस इसको हम लूज़ कर देंगे। ये देखिए लूज़ हो चुका है इस तरीके से, देख सकते हैं ये तार हमारा ऊपर है, तो उसको नीचे कैसे लाएंगे। तो ये वाला पेज हमने ढीला कर दिया है, उसके बाद हम पेज कस लेंगे और इसके खांचे में फंसाएंगे और इस तरीके से घुमाएंगे। देखिए इस तरीके से घुमाएंगे इसको हम, ये देखें, ये देखिए तार नीचे आ चुका है, और इस तरीके से घुमाएंगे हम तो तार ऊपर जा चुका है। तो आपको ये तार इस तरीके से सेट कर लेना है, तो आपको ये तार इस तरीके से सेट कर लेना है, देख सकते हैं आप, मैं आपको पास से दिखाऊँगा। ये देखें इस तरीके से ये तार ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इस तार को सेट कर देना है, और उसके बाद ये वाला पेज हम यहाँ से कस देंगे, ठीक है। अगर आपको नया तार डालना है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए अभी हम इसको पेज को कस देते हैं। अब हम आपको बताएंगे नया तार डालने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको ये पार्ट्स खोलने होंगे, ये पार्ट्स हटाने होंगे, पर जो नए सीखने वाले हैं, जो न्यू बिगिनर्स हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हम ये सारे पार्ट्स खोल देंगे तो फिर हम भूल जाएंगे बाद में कौन सा पार्ट्स कहाँ था, कैसे लगाएं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, वो ट्रिक क्या होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम ये खोलेंगे ये वाला पेज इस तरीके से, तो देखिए इस पेज को हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला आइटम जो निकल कर आ रहा है, तो ये भी सब मशीनों में नहीं होता है, पर आजकल नई मशीनों में ये आ रहा है। इस पेज के बाद में हमारा ये वाला आइटम निकला है, तो उसको हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से। देखते रहें ध्यान से आप, पहले वाला खोला हमने पहले रखेंगे, दूसरा वाला खोला है तो दूसरे उसके आगे रखेंगे। अब देखिए ये वाला हिस्सा हम इसके आगे रख देंगे, इससे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद इसको हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, उसके बाद पाँचवा आइटम निकालते हैं, ये देखिए इसको इसके आगे रखेंगे हम इस तरीके से रखते जाएंगे। उसके बाद अब ये देखिए तार आता है, ये तार, ठीक है, तो इस तार को हम इस तरीके से निकालेंगे और इसको यहाँ रख देंगे इस तरीके से। उसके बाद ये थालियाँ हैं, ठीक है, ये थालियाँ निकालेंगे हम इस तरीके से, ये दोनों थालियाँ इसी तरीके से आगे रख देंगे। ये देखिए तो जिस तरीके से हम इसके सारे पार्ट्स खोलते जा रहे हैं उस तरीके से रखते जा रहे हैं, और इसी तरीके से हम कस लेंगे इसमें, जिसमें से आपको भूल चूक नहीं होगी। अब हम आपको ये बताएंगे अगर आपको नया तार डालना है तो नया तार कैसे डालेंगे आप। आप चाहें तो ये वाला पेज खोल सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे ही नया तार डाल सकते हैं, पर मैं आपको ये पेज खोल कर इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो ये इसका टेंशन बिल्कुल अलग हो चुका है। तो देखिए मान लीजिए कई बार हमारा तार टूट जाता है, तो नया तार कैसे डालना है, तो नया तार मार्केट में 5 या 10 रुपए का मिल जाता है। तो देखिए इसको हम निकाल देंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो देखिए ये वाला तार तो ठीक है, पर मैं आपको समझाने के लिए निकाल कर दिखा रहा हूँ नया तार आपको कैसे डालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको नया तार डालना है तो इसके बीच में यहाँ पर देखेंगे एक खांचा होता है, ये देखें इसमें बीच में एक दरार है। ये जो टांसन वाला तार है इसके बीच में देखिए एक तार मुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, ध्यान से देखेंगे आप, ये देखिए। तो इसको हमको इस खांचे में फंसाना है, ये वाला जो इसमें जो खांचा दिख रहा है इस तरीके से डालना है हमको। तो देखिए इस तरीके से डालेंगे हम, तो ये देखिए हमारा तार बिल्कुल खांचे में फंस चुका है, मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों ये जो हमारे टांसन वाले तार की जो उठी हुई साइड है वो इस तरीके से देख सकते हैं, ये ऊपर आ चुकी है, ये मुड़ा हुआ है यहाँ से। उसके बाद हमने किस तरीके से ये पार्ट्स रखे थे जैसा कि आप देख सकते हैं, तो लास्ट में हमने ये वाले पार्ट्स खोले थे। तो उसके बाद हम इन थालियों को उठाएंगे इस तरीके से, देखिए थालियों को इस तरीके से मिलाएंगे जैसे रखी हुई थी उसी तरीके से मिलाएंगे, और इस तार को बाहर निकाल लेंगे पहले इस तरीके से। ये देखिए पहले बाहर निकाल देंगे इसको, और उसके बाद यहाँ इसको इस तरीके से फंसाएंगे। अब हम तार को दोबारा से लेकर आएंगे और यहाँ पर इस तरीके से फंसा देंगे। तो इसको कुछ लोग प्लेट्स भी बोलते हैं, तो इस तार के बीच में है, देखिए टांसन वाला जो तार है इसके बीच में फंसा दिया हमने इनको। अब हम फिर से लगाएंगे यहाँ पर, ये देखें, ये देखिए हम यहाँ वाला पेंच को कस देंगे इसको इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पर पेंच को मजबूती के साथ कस दिया है। तो अब देखिए जिस तरीके से हमने पहला वाला पार्ट ये खोला था, दूसरा ये खोला था, इस तरीके से लास्ट में ये है, तो इसी तरीके से हम पार्ट्स को उठाते चले जाएंगे, ये देखें, और उसके बाद हम इसको लगाएंगे। हम इस तार को फिर से बाहर निकालेंगे इस तरीके से, ये देखिए, और इस तरीके से हम इस तार को फिर से डाल देंगे, ये देखें। देखिए इसको हम यहाँ फंसाएंगे इस तरीके से, और बीच में जो होल दिया गया है इस होल में इस तरीके से हम फंसाते हुए, देखिए इस मशीन की जो बॉडी जो है इसमें भी होल दिया गया है, तो यहाँ पर इस तरीके से फिट हो चुका है।
उसके बाद हम इसको लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद ये स्प्रिंग लेंगे हम, ये देखें ये वाला पार्ट उठाएंगे और इसको भी हम फंसाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से इसको हम कस देंगे, ये देखें। तो अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये लूज़ है, देखिए तार हमारा ऊपर को रुका हुआ है, नीचे को नहीं जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखें, तो हम इस वाले पेंच को फिर से ढीला करेंगे इस तरीके से, घुमाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर पेचकस लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए तार हमारा नीचे आ चुका है, अब हम इस तरीके से पकड़ेंगे, छोड़ेंगे तो देखिए नीचे जाएगा डायरेक्ट, ये देखिए इस तरीके से देख सकते हैं, तो इतना नीचे जाना चाहिए। उसके बाद हम इसको यहाँ पर फिर से कस देंगे, अब देख सकते हैं तार हमारा बिल्कुल सेट है यहाँ पर। अगर धागा बार बार निकल रहा है तो आप इसको इस तरीके से दाब दें, ठीक है। उसके बाद हम इस वाले पार्ट्स को भी यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद हम धागे को चेक कर लेंगे एक बार, देख लेंगे धागा लूज़ या टाइट तो नहीं है इस तरीके से। तो दोस्तों आपको इस तरीके से चेक कर लेना है, धागा ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से घुमाएंगे धागा टाइट हो जाएगा, और इस तरीके से घुमाएंगे धागा लूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक बार चेक कर लेना है। और बॉबिन केस की डिब्बे की सेटिंग कैसे करते हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो बॉबिन केस का धागा होता है तो उसको भी आपको देख लेना है, जितना टाइट ये होना चाहिए उतना ही टाइट बॉबिन केस का धागा होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, थैंक्स।